प्रेज लॉर्ड। दोस्तों आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक भाई ने बताया कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे दुष्ट आत्माओं से, सैतानिक कार्यों से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और रोज़ सुबह शाम प्रार्थना करना शुरू किया। और अब उस भाई ने बताया कि उनके पूरे परिवार ने दुष्ट आत्माओं से पूर्ण रूप से छुटकारा पा लिया है। अब वो भाई का परिवार पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया है और वो लोग बहुत खुश और आनंदित हैं। और उन्होंने बताया कि तब से हमारे परिवार में बहुत सी आशीषें आई हैं, हमने प्रभु की आशीषों को प्राप्त किया है, हमने उन दुष्ट आत्माओं से, उन सैतानिक कार्यों से पूर्ण रूप से छुटकारा पाया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया और बहुतायत से आशीषों से भर दिया है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इनके परिवार में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके परिवार में भी करेंगे। आप भी प्रभु यीशु मसीह से रोज सुबह शाम प्रार्थना करें, वो आपको उन दुष्ट आत्माओं से, उन सैतानिक कार्यों से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यशायाह 49 और उसके 14, 15 और 16 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। आमीन। दोस्तों आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि सियोन ने कहा कि मेरा परमेश्वर मुझे भूल गया है, क्योंकि यहूदी लोग उस समय बंधुआई में थे, इसलिए वो कह रहे थे कि परमेश्वर शायद हमें भूल गया है, अब परमेश्वर हमारी ओर दृष्टि नहीं कर रहा है। इसलिए यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में लिखा है कि सियोन ने कहा कि परमेश्वर मुझे भूल गया है। फिर परमेश्वर कहता है, क्या ऐसा कभी हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक माता अपने बच्चे को भूल जाए, अपने जन्माए हुए बच्चे को वो भूल जाए? और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि हाँ, ये हो सकता है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, हे सियोन, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा और मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है और तेरी शहरपनाह मेरी दृष्टि में हमेशा बनी रहती है। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमें कभी भी नहीं भूलता, कभी भी नहीं छोड़ता, वो हमेशा हमारे साथ में रहता है। हालांकि बहुत बार ऐसा लगता है कि मानो परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया हो, परमेश्वर ने हमें त्याग दिया हो, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। एक माता अपने बच्चे को भूल सकती है, यह हो सकता है, जबकि एक मां अपने बच्चे से सबसे अधिक प्रेम करती है, फिर भी एक ऐसी कंडीशन आ सकती है कि वो अपने बच्चे को भूल जाए, परंतु परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को कभी भी नहीं भूलता। वो हमेशा उन्हें स्मरण रखता है, हमेशा उन्हें याद रखता है, हमेशा उनके साथ में रहता है। बाइबल कहती है कि मैंने उनका चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। हाँ मेरे प्रियो, आप एक ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो आपको कभी भी नहीं भूलता, कभी भी नहीं छोड़ता, जिसने आपका चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है और आपकी सहरपना उसकी नजरों में बनी रहती है, उसकी दृष्टि में बनी रहती है। हाँ मेरे प्रियो, उसकी नजरें आप पर लगी रहती हैं, हालांकि आपको लगता हो कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। आप ऐसी परिस्थितियों में हो जब आपको लगता हो कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर मुझे त्याग दिया, वो मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा, वो मेरी पुकार को नहीं सुन रहा है, वो मेरे आंसुओं को नहीं देख रहा है। परंतु मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको दिख नहीं रहा है, आपकी प्रार्थना का उत्तर भले ही अभी नहीं आ रहा है, परंतु परमेश्वर आपको भूला नहीं है। आपकी मां आपको भूल सकती है, आपके माता पिता आपको भूल सकते हैं, आपके प्रियजन आपको भूल सकते हैं, परंतु परमेश्वर आपको कभी भी नहीं
भूलेगा। वो आपके साथ में है, उसने आपका चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है और वो आपको हमेशा निहारता रहता है, उसकी नजरें आप पर लगी रहती हैं। वो बहुत जल्द आपको सियोन की तरह गुलामी से छुटकारा देगा और बहुत जल्द आपको आशीषित करेगा, आपको वो छुटकारा देगा और आप उस परिस्थिति से बाहर आ जाओगे, आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखोगे। हम मूसा के जीवन में देखते हैं, जब मूसा पैदा हुआ तो कई दिनों तक मूसा के माता पिता ने उसे अपने पास छुपा करके रखा, परंतु ऐसी कंडीशन आई कि उन्होंने फिरौन के डर के कारण मूसा को छोड़ दिया। हाँ मेरे प्रियो, एक ऐसी कंडीशन उनके जीवन में आ गई, ऐसी परिस्थिति उनके जीवन में आ गई जब माता पिता ने अपने प्रिय बच्चे को छोड़ दिया, त्याग दिया, उन्हें उसे त्यागना पड़ा, परंतु परमेश्वर ने मूसा को नहीं त्यागा, परमेश्वर की दृष्टि उस पर बनी रही क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ था, परमेश्वर का अभिषिक्त था, परमेश्वर की नजरें उस पर बनी रही क्योंकि परमेश्वर ने उसका चेहरा अपनी हथेली पर खोद कर बनाया था, इसलिए उसकी नजरें उस पर बनी रही। और क्या हुआ, फिरौन की ही बेटी ने उस मूसा को उठाया, अपने घर लेके गई और फिरौन के ही घर में, जिसके कारण, जिसके डर के कारण उसे छोड़ दिया गया था, उसी फिरौन के घर में मूसा का लालन पालन हुआ और वहीं वो बड़ा हुआ, वहीं वो पला बड़ा एक राजकुमार के रूप में। हाँ मेरे प्रियो, माता पिता भूल सकते हैं परंतु परमेश्वर कभी भी नहीं भूलता, वो उसकी नजरें हम पर हमेशा बनी रहती हैं, हमेशा लगी रहती हैं। इसलिए आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हालांकि आपके जीवन में कुछ विपरीत परिस्थितियां हैं परंतु आप घबराए नहीं, आप डरे नहीं, आप ये ना सोचें कि परमेश्वर मुझे भूल गया है, वो आपको नहीं भूला है, उसकी दृष्टि आप पर लगी है, आपके चेहरा उसने अपनी हथेली पर खोद करके बनाया है, वो बहुत जल्द आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, बहुत जल्द आपको उस परिस्थिति से छुड़ाएगा, वो मूसा की तरह आपको एक राजकुमार की तरह रखेगा और आपको इस्तेमाल करेगा। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ आज की सुबह में कि आप भी आप अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करें, आप भी हमारे साथ मिलकर लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। एक हमारी प्रार्थनाएं लोगों को उठाकर उनके जीवन में आशीषों को जोड़ सकती है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं हमारे परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपके पवित्र नाम की महिमा, आपकी बड़ाई हम करते परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम पर अनुग्रह करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस सुंदर दिन को हमें दिखाने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड सच में आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हम करते परमेश्वर, हम घटे परमेश्वर, आप हमें बढ़ते चले जाइए प्रभु जी। ये नया दिन प्रभु हम आपके अनुग्रह से देख पाए प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। रात भर में मीठी और सुकून भरी अच्छी नींद देकर प्रभु ये दिन प्रभु आपने दिया है, ये आपकी महिमा के लिए, आपकी बड़ाई के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। लॉर्ड आज के दिन में परमेश्वर जो हमने आपके वचन को सुना है, हमारे कानों ने सुना है, हमारे हृदयों ने ग्रहण किया है परमेश्वर, होने दे इस वचन के अनुसार प्रभु हम सबके जीवनों में प्रभु ये वचन कार्य करे प्रभु, हम ये प्रैक्टिकली अपने जीवन में देख सके परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु जी, आप हमें कभी नहीं भूलते प्रभु जी, आप हमें कभी नहीं त्यागते प्रभु जी, आपने तो प्रभु हमारा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है यीशु राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, हमसे इतना अगापे प्रेम करने के लिए यीशु धन्यवाद कि आप हमारे चेहरे को निरंतर निहारते हैं प्रभु जी। ओ हालेलुया, थैंक यू फादर, हमें अपने अपने अपनी लाइफ में इतनी सारी इम्पोर्टेंस देने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपनी बेटी और अपना बेटा बनाने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम जानते हैं प्रभु हम संसार में तो किसी के लिए कुछ भी नहीं प्रभु, परंतु आपकी नज़रों में हम बहुमूल्य हैं प्रभु, आपकी नज़रों में हम कीमती हैं प्रभु, आपकी नज़रों में हम आदर का बर्तन है प्रभु। हालेलुया, यस माय लॉर्ड जीसस। जिस प्रकार प्रभु सियोन कहते हैं कि प्रभु तू मुझे भूल गया है, परंतु हम जानते पिता एक माता अपने बच्चे को भूल जाती है, परंतु आप हमें
हमें कभी नहीं भूलते हैं प्रभु जी। खुदावन यदि आज की सुबह में ऐसे सवाल प्रभु जिन भाई बहनों के जीवन में है, वो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, वो हमारे साथ मिलकर अपने आप को प्रभु के सामने रखें और अपने हृदय को खोल दीजिए। यदि आज आपके मन में ये सवाल है, यदि आज आपके मन में ये बातें हैं कि हमें प्रभु ने छोड़ दिया है, तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु जी, आप नहीं भूलते हैं प्रभु, आपने इस भाई को इस बहन को नहीं छोड़ा है प्रभु, आप इन्हें नहीं भूले हैं प्रभु। हाँ पिता, क्योंकि आपने तो इनका चित्र अपनी हथेली में बनाया है प्रभु, आप इन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे जगत के अंत तक। मेरे प्रभु आप इनके संग में है प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आप अनंत काल के परमेश्वर है। खुदा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो अपने जीवन में अकेले हैं प्रभु जी, जिनका कोई भी सहायक नहीं प्रभु, जिनके आगे पीछे बोलने वाला कोई नहीं प्रभु। खुदावन हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनके संग में रहिए प्रभु। हम जानते हैं आप उनकी सुधी लेते हैं, आप उनके समीप रहते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु अनाथों के लिए और विधवाओं के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, कि आप उनकी सुधी ले प्रभु। आपका वचन कहता है कि आप अनाथों और विधवाओं का न्याय चुकाने वाले परमेश्वर है। खुदावन होने दे प्रभु जी, आप उन्हें ब्लेस करें। यदि उनके मन टूटे हुए, यदि उनके जीवन में परिस्थितियां ऐसी कि जब सब कुछ बिखरा हुआ है प्रभु, आप उनके हृदय को जोड़े, आप उनके जीवन में सब कुछ सवारे, आप उन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, उनके जीवनों में आशीषों को भर दीजिए, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए प्रभु। थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज की इस सुबह में परमेश्वर प्रभु जी, उन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जो तनाव में है, चिंता में है प्रभु जी, प्रभु उनकी तनाव और चिंताओं को दूर करे पिता, और इस समय आप उनके समीप होइए प्रभु। जिनके मन टूटे हुए हैं प्रभु जी, जिनके हृदय टूटे हुए हैं प्रभु, आपका वचन कहता है मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूँ। हाँ मेरे प्रभु, इस समय परमेश्वर प्रभु आप इस भाई के, इस बहन के समीप है जिनका हृदय टूटा हुआ है प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु आप इनके समीप है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु जी जो चिंताओं में है, परेशानियों में है, विपरीत समस्याओं में है प्रभु जी, आप उनके समीप है प्रभु, आप उनके निकट है प्रभु जी, और आप उन्हें भूले नहीं प्रभु जी। हाँ मेरे पिता हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। लॉर्ड आज की सुबह में प्रभु अपने वचन से हमसे बातचीत करने के लिए, हमें उत्साहित करने के लिए कि हाँ प्रभु मनुष्य हमें छोड़ सकता है, माता पिता हमें छोड़ सकते हैं, परंतु आप हमें कभी नहीं भूलते प्रभु। हाँ मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी जिन्होंने लव अफेयर्स में प्रभु धोखा खाया है प्रभु जी, जब इन्होंने इनको किसी ने छोड़ दिया है प्रभु, जब इन्हें किसी ने धोखा दे दिया प्रभु, जब इनके लाइफ में चीटिंग इनके साथ में हुआ है प्रभु। हाँ मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे समय में परमेश्वर प्रभु जी आप इन्हें संभाले प्रभु, ऐसे समय में आप इनके हृदय को दृढ़ करें, ऐसे समय में प्रभु ये वचन प्रभु इन्हें स्मरण आए प्रभु कि आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे प्रभु। आपके लिए ये भाई ये बहन कीमती हैं और बहुमूल्य है पिता। धन्यवाद आप इनके जीवन में प्रभु उस घाव को भर दीजिए और इनके जीवन में डबल ब्लेसिंग्स को आप दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते इस समय जो भाई बहन प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, कई समय से उनके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, जिससे उनका मन टूटा हुआ है प्रभु। हाँ मेरे पिता आप उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए और उनके टूटे मन को जोड़ दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज की सुबह में हम प्रार्थना करते हैं अपनी सुख शांति समृद्धि से आज के दिन में अपने बेटे बेटियों को भर दीजिए, उनके प्रार्थना का उत्तर दे दीजिए प्रभु, जो हमें कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदन को दे रहे हैं पिता। यीशु के नाम से एक एक के प्रार्थना का उत्तर आप दीजिए, एक एक की आप सुधी लीजिए, एक एक के जीवन में आप कार्य कीजिए प्रभु, क्योंकि आप किसी को भी नहीं भूलते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की सुबह में हर एक काम जो आपके बेटे बेटियां आज के दिन में करने जा रहे फिर करने को हैं पिता, मेरे प्रभु वो काम सफल होने पाए, इनके आज के दिन की सारी जरूरतें पूरी होने पाए प्रभु जी, जो भी आज के दिन में इनकी नीड्स है प्रभु वो नीड्स पूरी होने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे प्रभु आज के दिन में आप इन्हें स्वस्थ और भला चंगा रखे, अच्छा स्वास्थ्य आप इन्हें दीजिए, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक प्रभु सब चंगे रहे मेरे प्रभु, और आपकी महिमा को करने पाए पिता। धन्यवाद पिता, मैं प्रार्थना करती जो बीमार है पिता, बीमारियों में कई सालों से कई समय से पड़े प्रभु, बीमारियों ने जब उनके शरीर को दुर्बल कर दिया प्रभु और मृत्यु की कगार पर वो है पिता, और वो निराश है प्रभु, और वो कह रहे कि प्रभु तूने हमें छोड़ दिया है। हाँ प्रभु ये सवाल आज बंद हो जाए पिता, आज ये सवाल इनके जीवन से चला जाए प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर आप इस बीमारी के समय में प्रभु इनकी सुधी लीजिए प्रभु, यीशु के नाम से ये चंगे हो जाए,
यीशु के नाम से इनकी बीमारियां चली जाए प्रभु, यदि मृत्यु तक इनकी बीमारियां इन्हें लेकर गई है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु जी वो बीमारी नष्ट हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। आप इन्हें ब्लेस करें, छू ले, सर से लेकर पैरों तक का दर्द चला जाए, हर एक प्रकार की बीमारी चली जाए यीशु के नाम से, शरीर के ऑर्गन्स हील हो जाए यीशु के नाम से, इनकी स्किन हील हो जाए यीशु के नाम से, इन्फेक्शंस नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने इन्हें छू लिया और इन्हें चंगा किया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु। आज की सुबह में प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, इन्हें ब्लेस करें, इनके प्रार्थना का उत्तर दे, और आज के दिन में प्रभु जब ये घरों से बाहर निकलते प्रभु, इनकी सुधि लेकर प्रभु इन्हें सुरक्षित घर लेकर आइए, और इन्हें इनकी सुरक्षा आप करें परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।